Hey, what is up guys, welcome back to my channel everyone, I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आज गाइस फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ मैं वापस ना। आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज ना अपन लोग एक बहुत ही यूनिक सा चैलेंज करने वाले हैं। और ये जो चैलेंज है ना भाई सब, ये चैलेंज ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ गया जब मैं रात को मतलब ऐसे ही सोया हुआ था, तब ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ गया ये वाला चैलेंज है ना, ये वाला दो चैलेंज है ना। तो देखो यार दोनों चैलेंज में से मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या चैलेंज है। ओके, तो चैलेंज नंबर वन गाइस कि मेरे को यहाँ पर बोट लेना पड़ेगा और बोट से मेरे को जाना पड़ेगा सीक्रेट आइलैंड पे। जी हाँ दोस्तों, अब सीक्रेट आइलैंड पे मैं जाऊँगा बोट से, लेकिन मुझे आना पड़ेगा तैर के। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ से जो भी लूटपाट मैं करूँगा उसी वाले लूटपाट करके ही मुझे पूरा गेम प्ले मतलब निकालना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि मैं निकल जाऊँ, है ना, मतलब लास्ट तक जिंदा रहूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मैं लास्ट तक जिंदा रहूँगा, क्योंकि मैं जब तक तैर के यहाँ पर पहुँचूँगा ना तब तक ही शायद मैं मर जाऊँगा। फिर भी ट्राई करेंगे कि कितने दूर तक मैं तैर कर पहुँच सकता हूँ। बाकी यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि वहाँ से मैंने एक हेल्थ किट लेके आ चुका था। तो यहाँ पर अब ज़्यादा मेरे को लूटा लाटी करना नहीं है, सिर्फ मेरे को ड्रिंक वगैरह चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे को ड्रिंक वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को एक ड्रिंक तो मिल चुका है, एनर्जी ड्रिंक। ओके, अब मेरे को और भी कुछ पेन किलर वगैरह मिल जाना चाहिए, अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, ताकि मैं जब तैरते हुए जाऊँगा तो वो मेरा हेल्प कर सकेगा। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा और भी लूटा लाटी करता हूँ, और यहाँ पर भी देख लेता हूँ, क्या पता यहाँ पर भी मेरे को कुछ काम का चीज़ मिल जाए। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं लूटा लाटी कर रहा हूँ, और एंड तक जो भी लूटा लाटी होगा मतलब यहाँ पर जो भी लूटा लाटी मैं करूँगा वही लूटा लाटी मैं लेकर जाऊँगा वीरांगा पे, और वहाँ पर मेरे को इसी लूटा लाटी के साथ ही खेलना पड़ेगा। और मैं कोई अदर गन वगैरह भी नहीं ले सकता हूँ वहाँ पर जाकर, मैं यहाँ पर जो भी मेरे को मिलेगा इसी को लेकर मुझे खेलना पड़ेगा। ये है चैलेंज, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक सा चैलेंज है। तो शायद ही ऐसा चैलेंज किसी ने किया होगा, और मैं तो ऐसे हार्ड चैलेंजेस करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी यही है गाइस कि मैं अमेजिंग चैलेंजेस करता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ अमेजिंग सा चैलेंज है ना तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप लोग नीचे कॉमेंट में नहीं बताओगे तो मैं कितना ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा यार, है ना। बाकी तुम लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो मेरा, है ना, ताकि मतलब आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर देना यार, मतलब थोड़ा सा न्यू चैलेंजेस मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं हेल्थ किट लगा लेता हूँ, क्योंकि मर जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर हेल्थ किट लगाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली तैर कर चले जाते हैं। पता नहीं तैर के मैं कितने देर तक पहुँचूँगा, बाकी चलो जाते हैं, ट्राई करते कि मैं पहुँच जाऊँ, होप करता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। मुझे तो नहीं लगता कि भैया मैं पहुँच पाऊँगा, अगर मेरे पास एक और पेन किलर वगैरह होता तो शायद मैं पहुँच जाता, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँच सकूँगा, फिर भी ट्राई तो बनता है डूड। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारे हो ना तो क्या कर क्या रहे हो डूड, अभी के बीच अगर वीडियो को लाइक मार दो, क्योंकि आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा, गया मैं, गया खत्म। जी हाँ दोस्तों, मैं पहुंच नहीं पाया, बाकी ट्राई करा था मैंने वो वाला चैलेंज, लेकिन हुआ नहीं मेरे से, है ना। बाकी आते हैं नेक्स्ट वाले चैलेंज पे। अब नेक्स्ट वाला जो चैलेंज है वो है गाइस कि मैं पूरा पूरी वीरांगा के एंड में उतरूंगा, ठीक है, और एंड से मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा पैदल नहीं कि मैं कहीं पर रुक सकता हूँ, नहीं गाइस, ये जो स्प्रिंट का बटन है ना इसको मेरे को मतलब ये जो ब्लू हुआ है ना, आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि ये जो स्प्रिंट का बटन है ये येलो हो चुका है, ठीक है, तो मैं इसको वाइट होने नहीं दे सकता हूँ, मतलब कहीं पर भी मैं रुक नहीं सकता हूँ। अगर मेरे को लूटना भी होगा तो मेरे को ऐसे दौड़ते दौड़ते ही मेरे को लूटना पड़ेगा, मतलब मैं उसको मतलब समझ जाओ कि वो वाइट नहीं हो सकता है, अगर वो वाइट हो गया तो भैया जी मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। तो ये है आज का चैलेंज, सेकेंड वाला चैलेंज। तो भाई चलो दौड़ते हैं,
आज तो कदे मिल्खा सिंह बन चुका हूं मैं, कदे भागता फिरूंगा पूरा वीरांगा मैप में। अब देखते हैं यार, यही मतलब भागते भागते मैं कितने दूर तक पहुंचता हूं। और बाकी मैं कोई भी व्हीकल वगैरह भी मतलब यूज़ नहीं कर सकता हूं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में मैं एक ऊपर से मतलब गिर चुका था, तो इसीलिए मेरा हेल्थ थोड़ा सा कम हो गया। मेरा गलती है, हाँ मुझे मालूम है। अब मेरे को जाना है वीरांगा के पूरे एंड में, ओके पूरे एंड तक जाना होगा। तो यहाँ पर मैं चलो जाते हैं, क्योंकि कुछ करने का है नहीं भैया जी, अपन को सिर्फ भागना है ना। तो चलो जाते हैं। और देखो फाइनली भागते मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ तक मैं पहुँच तो चुका हूँ, उसके बाद मेरे को अभी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मकसद बहुत दूर है गाइस, है ना। तो मेरा जो गोल है वो बहुत ज़्यादा दूर पे है, तो अभी भी मेरे को भागता ही मतलब जाना है। और भागता ही मैं आ रहा हूँ तब से गाइस। आप लोग जैसे देख सकते हो, ये मैंने वाइट होने नहीं दिया, स्प्रिंट का जो बटन है वो मैंने वाइट होने नहीं दिया, ओके कहीं पर भी मैं रुका नहीं। तो इसका मतलब अभी तक मैंने अपना जो चैलेंज है वो मैंने फेल नहीं किया, ठीक है। तो चलो यार फिर से भागते हैं कतई फ्लैश के स्पीड से। अब देखो भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और फाइनली मैं एंड तक आ चुका हूँ मेरे गोल तक। अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा फिर से किसी एंड जगह पर, मतलब वीरांगा के एंड पे। तो चलो एक बार मैप को खोल के देख लेते कि एंड कहाँ पर पड़ता है। एंड गाइस इस पोर्ट पे पड़ता है, तो चलो मेरे को ई स्पोर्ट जाना पड़ेगा। तो चलो ई स्पोर्ट जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ई स्पोर्ट तक पहुँच पाऊँगा यार, इससे पहले शायद जोनी मेरे को खा लेगा। बाकी ट्राई करते हैं ई स्पोर्ट जाने के लिए, मेरे पास हेल्थ किट भी नहीं है यार। गाइस क्या लगता है मैं पहुंच पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जोन भैया जी बहुत ज़्यादा खा रहा है मेरा हेल्थ, है ना। और देखो 0 HP कर भी दिया, और थोड़ा सा गाइस अगर मैं पहुंच जाऊं तो काम बन जाएगा यार। लेकिन पहुंच नहीं पाया।